तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और जैसे कि आज है 23 अगस्त है, और आज जैसे कि चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारा, जो है लैंडिंग करने वाला है, अभी बस कुछ ही मिनट बाकी है, 2 ही मिनट बाकी है। और अभी हम लाइव देख ही रहे थे, मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं चंद्रयान मिशन हमारा ये रहा। इस समय हम लैंडिंग और बीच में क्या हुआ था, अभी मैं लाइव इसको क्या है ना, मैं काफ़ी देर से मैं लाइव देख रहा था, और आधे घंटे से पहले ही मैं देख रहा हूँ। और बीच में क्या हुआ था कि सिग्नल ही कुछ नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मतलब कि कहीं हमारा चंद्रयान मिशन कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर से सिग्नल आ गया। और अभी आप डिस्टेंस देख सकते हैं, इतना डिस्टेंस अभी बाकी है 453 मिनट लैंडिंग होने में। और हमारा ये चंद्रयान मिशन कैसे लैंड हो रहा है, यहाँ पे चारों इंजन पूरा चालू है, और यहाँ पे लैंडिंग करने वाला है एकदम। देख सकते हैं भाई 163-160 मीटर है, 158। देख सकते हैं अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मिशन है, सक्सेसफुल तो हो ही जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि इतनी दुनिया से ये चंद्रयान 3 हमारे जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द, चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम ही रहा है, को कम किया जा रहा है, और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। 50 मीटर बचा है भाई, मेरे को ना ऐसा धक धक हो रहा है। 8 मिलियन होने वाले, मतलब 80 लाख यहाँ पे लाइव जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, लैंड कर गया भाई, लैंड कर गया भाई, लैंड कर गया, लैंड कर गया। ओ भाई, हमारा चंद्रयान मिशन जो है सक्सेसफुल रहा भाई, लैंड कर गया हमारा चंद्रयान, चंद्रयान 3 यहाँ पे सॉफ्ट लैंड कर चुका है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे झंडा लहरा रहे हैं खुशी से, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया है हम लोगों ने, लैंड हो चुका है। यहाँ पे सारे साइंटिस्ट लोग देख सकते हैं, पे कितने यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, ताली से गूंज रहा है चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं चंदा मामा अपने घर के। ओ बिल्कुल बिल्कुल, चंदा मामा अपने घर में आ गए। हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन भाई, ये सक्सेसफुल रहा यार, सच में बता रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। और दोस्तों, सॉफ्ट लैंडिंग करने में हमारा भारत जो है 4th नंबर पे आ गया है। इसके पहले भी 3 कंट्री ने जो है सॉफ्ट लैंडिंग किया था, रशिया, यूएस और चाइना ने किया था, और 4th नंबर पे हमारा भारत आ चुका है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्पेस क्राफ्ट लैंड करने वाला पहला मात्र एक ऐसा देश हमारा भारत है, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट मिशन ये कंप्लीट किया है साउथ पोल पे लैंडिंग करके। इसके पहले किसी कंट्री ने भी साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं किया है, और हमारे भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हें दिल से सल्यूट है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपने घर पे, अभी हम चाचा के घर पे अपना लाइव देख रहे थे और आपको भी दिखाया था। बाकी चंद्रयान मिशन के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दिया, थोड़ी बहुत जानकारी आपको और दे देता हूँ, ताकि ये मिशन जो है हमारा भी कंप्लीट हो जाए। चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, और पृथ्वी से चंद्रमा के जो बीच की दूरी है 384,400 किलोमीटर दूरी है। हमारा चंद्रयान मिशन इतनी दूरी तय करने के बाद 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंड कर चुका है। और अब क्या है कि विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर हमारा बाहर आएगा, कुछ घंटे बाद अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर देगा, और ये जो जांच प्रक्रिया जो चलने वाला है 14 दिन तक चलेगा। चांद का 1 दिन और अपने भारत का 14 दिन इतना बराबर माना जाता है, और उसके बाद तो चांद पे अंधेरा जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि चांद पे जब तक धूप रहेगा तब तक प्रज्ञान रोवर हमारा विक्रम लैंडर कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि सोलर पैनल को धूप चाहिए तो धूप से ही वो काम करेगा। जिस तरह से हमने कोई मिल गया मूवी देखा था, उसमें जादू आता है, तो जादू को क्या चाहिए, धूप चाहिए, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ठीक उसी तरह से हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को भी धूप चाहिए, तो इतना 14 दिन तक ये जांच चलने वाली है। तो 14 दिन में जो भी सैंपल मिलेगा, जो भी जांच प्रक्रिया होगी, बाकी तो आप लोग पता कर ही लोगे, आपको पता चले जाएगा कि पूरा भारत जो है जश्न मना रहा है, खुशियों से पूरा झूम रहा है, तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत खुश होंगे। तो ये छोटा सा बस ये वीडियो था, बाकी मेरे चैनल पर बहुत दिन के बाद ये वीडियो मैं डाला हूँ, बाकी कंटिन्यू वीडियो करना शुरू कर देंगे, ब्लॉग बनाना शुरू कर देंगे। अभी 2 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में अचानक जाना हुआ, अचानक आना हुआ, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। वैसे ब्लॉग में बनाया हूँ, बट अपलोड अभी तक नहीं किया हूँ, तो क्योंकि ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, तो ऐसे ही मैं शूट कर लिया था। बाकी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आप अपने चैनल पर ब्लॉग अपलोड करूँ। बाकी आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा नीचे कमेंट करो, बताना वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब। मिलता है सर नए वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।